हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। फाल्कन कंपनी का चैनसो मशीन आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। यह फाल्कन का चैनसो मशीन 73cc का है। दोस्तों, कस्टमर ने जैसा कि मेरे को बताया, यह चैनसो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपके पास 52cc का चैनसो मशीन है या 58cc का चैनसो मशीन है, 62cc, 68cc, 71cc, 73cc, आपका चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। चैनसो मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है या स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्विच को हमने ऑन कर दिया है। देखिए दोस्तों, किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना चाहिए फ्यूल टैंक में फ्यूल, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे हमें चेक करना चाहिए फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, 2-स्ट्रोक इंजन है, 2-स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल में टूटी ऑयल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है और 1/2 लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल डालना है। स्टार्ट ना होने पर हम चौक का इस्तेमाल करेंगे, चौक लीवर को हम बाहर खींचेंगे। अभी मशीन चौक में है तो मशीन को हम चौक में स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट हो जाएगा तो चौक लीवर को हम अंदर कर देंगे। यह चैनसो मशीन स्टार्टिंग का मोमेंट बना रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। चौक में भी चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना चाहिए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को ओपन करना बहुत ही आसान है। पहले आप प्लग कैप को बाहर निकालिए और प्लग कैप देख लीजिएगा दोस्तों। प्लग कैप जो है वो टाइट होना चाहिए। अगर प्लग कैप लूज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। तो प्लग रेंज से आप बहुत ही आसानी से स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, मैं स्पार्क प्लग को खोल रहा हूँ। स्पार्क प्लग खोलना बहुत ही आसान है प्लग रेंज की मदद से। देखिए दोस्तों, स्पार्क प्लग खुल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्पार्क प्लग में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, स्पार्क प्लग में देख सकते हैं कार्बन लगा हुआ है। चैम्पियन कंपनी का यह स्पार्क प्लग है। देखिए, स्पार्क प्लग को जब आप प्लग कैप में लगाते हैं ना, तो प्लग जो है वो टाइट होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, स्पार्क प्लग का जो कैप है उसके अंदर में स्प्रिंग रहता है। ये देखिए, इसके अंदर में देख लीजिएगा, स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए। देखिए, स्प्रिंग लगा हुआ है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। देखिए, जब भी आप प्लग को इस तरह से लगाएंगे ना प्लग कैप में, तो स्पार्क प्लग जो है वो टाइट होना चाहिए। अगर स्पार्क प्लग लूज़ रहेगा, इस तरह से बाहर निकल रहा है, लूज़ है, तो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा उसमें, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, यह चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। चेक कर लीजिए, मैं यह चैनसो मशीन में एक न्यू स्पार्क प्लग लगाकर मशीन को स्टार्ट करूँगा। चलिए, इससे पहले हम एयर फिल्टर खोल लेते हैं। तो ये देखिए, ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को आपको क्लीन करना है हर 8 से 10 घंटे में आपको क्लीन करना चाहिए। जब भी आप मशीन को 10 घंटा चलाएं, चलाने के बाद आपको क्लीन करना चाहिए। ये जो एयर फिल्टर है दोस्तों, यह जाली वाला एयर फिल्टर है। तो एयर फिल्टर आप चेक कर लीजिएगा, एयर फिल्टर में अगर डस्ट लगा हुआ रहेगा तो उसमें भी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आता है। तो यह एयर फिल्टर को आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। यह जाली वाला एयर फिल्टर है, पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करके लगाना है। और एयर फिल्टर को खोलना बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से खोलना है। और अगर आपके मशीन में पेपर का एयर फिल्टर लगा हुआ है, तो पेपर का जो एयर फिल्टर होता है वो एयर से क्लीन होता है। एयर से आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं एयर फिल्टर को। एयर फिल्टर क्लीन करना बहुत ही आसान है। यह देखिए, यह है न्यू स्पार्क प्लग। यह न्यू स्पार्क प्लग लगाकर मैं मशीन को स्टार्ट करूँगा। आपका भी चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, तो आपको सबसे पहले स्पार्क प्लग को चेंज करके देखना है। स्पार्क प्लग को चेंज करने के बाद भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको देखना चाहिए कार्बोरेटर। कार्बोरेटर को क्लीन करके लगाकर स्टार्ट करके देखिए। और आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर, ये सब बिल्कुल सही होना चाहिए। रिंग, पिस्टन या सिलेंडर, इनमें से कुछ भी डैमेज रहेगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, प्लग कैप लगाने के बाद चेक करना है। प्लग कैप लूज़ नहीं होना चाहिए, प्लग कैप टाइट है। यह प्लग कैप बिल्कुल टाइट है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, टाइट होना चाहिए स्पार्क प्लग का प्लग कैप। यह चैनसो मशीन में न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम एक्सेलेरेटर को प्रेस करेंगे। इस तरह से एक्सेलेटर को हम 4 से 5 बार प्रेस करेंगे और मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। कार्बोरेटर किस तरह से क्लीन करना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप बोलिएगा तो मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए।
बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों, एक बार भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी मशीन स्टार्ट ना हो तो हमें पेट्रोल डालकर चेक करना चाहिए। स्पार्क प्लग को खोलेंगे हम और रिंग पिस्टन में पेट्रोल डालकर मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा क्या ख़राब है, कार्बोरेटर या रिंग पिस्टन सिलेंडर। तो स्पार्क प्लग को हम खोलकर बाहर निकालेंगे और पेट्रोल डालकर फिर से स्पार्क प्लग को लगाकर हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जहाँ पर प्लग लगता है वहाँ पर आपको पेट्रोल डालना है। इस तरह से सिलेंडर में आपको पेट्रोल डालना है। देखिए, सिलेंडर में आप इस तरह से पेट्रोल डालिए, उसके बाद स्पार्क प्लग लगाकर मशीन को स्टार्ट कीजिए। आपके पास किसी भी कंपनी का चैनसो मशीन है और आप चैनसो मशीन का स्पेयर पार्ट्स घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको आपके घर पर भेजूँगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए स्पेयर पार्ट्स। आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ अपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर से स्टार्ट करके देखते हैं मशीन को। चैनसो मशीन स्टार्ट ना होने पर हम चौक का इस्तेमाल करेंगे। चौक लीवर को हम बाहर खींचेंगे। अभी मशीन चौक में है, चौक में हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। सिलेंडर में पेट्रोल डालने पर भी मशीन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ऐसे में हम चेक करेंगे कार्बोरेटर। फिर से हम स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालेंगे और सिलेंडर कवर को खोलेंगे। सिलेंडर कवर खोलकर हम निकालेंगे और चेक करेंगे कार्बोरेटर। आपके मशीन में भी सेम इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप स्पार्क प्लग को पहले चेंज करके देखिए। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी आपका चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब आप कार्बोरेटर को चेक कीजिए, कार्बोरेटर को क्लीन कीजिए, कार्बोरेटर को वॉश करके लगाइए। इसके बाद भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट कीजिए। कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट करेंगे तो कार्बोरेटर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोरेटर का ट्यूनिंग किस तरह से सेट करना है, इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट करना बहुत ही आसान है। वीडियो देखकर आप कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट कीजिए, आपका कार्बोरेटर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोरेटर का ट्यूनिंग आप सेट कर रहे हैं, सेट नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से वीडियो में बताया जाता है उसी तरह से आप कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट कीजिए। जब कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट ना हो तभी आप कार्बोरेटर को चेंज करें, एक न्यू कार्बोरेटर लगाएं। और आपको चेक करना है तो आपको चेक करना चाहिए रिंग पिस्टन और सिलेंडर। रिंग पिस्टन और सिलेंडर आपके मशीन का बिल्कुल सही है, फिर भी आपका चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको कार्बोरेटर चेंज करके देखना चाहिए, एक न्यू कार्बोरेटर लगाकर देखना चाहिए, कार्बोरेटर में भी प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, फ्यूल सप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा है कैसे हमें पता चलेगा? इसके लिए हमें चेक करना होगा फ्यूल फिल्टर। पेट्रोल टैंक के अंदर एक फ्यूल फिल्टर होता है, उसे निकाल कर हम चेक करेंगे। फ्यूल फिल्टर ब्लॉक रहेगा, जाम रहेगा, डैमेज रहेगा तो पेट्रोल कार्बोरेटर में नहीं जाएगा, चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर को बाहर निकालना बहुत ही आसान है। एक वायर लेकर आप इस तरह से फ्यूल फिल्टर को बाहर निकाल लीजिए। ये जो आप फ्यूल फिल्टर देख रहे हैं दोस्तों, यह इस मशीन का नहीं है। ये जो आप फ्यूल फिल्टर देख रहे हैं, मैं जो फ्यूल फिल्टर को बाहर निकाल रहा हूँ, यह इस मशीन का फ्यूल फिल्टर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फ्यूल फिल्टर है यह पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ब्लॉक हो गया है। मैं फ्यूल फिल्टर को चेंज करूंगा, यह फ्यूल फिल्टर को मैं चेंज करूंगा, एक न्यू फ्यूल फिल्टर लगाऊंगा मैं इस मशीन में। यह फाल्कन कंपनी का जो चैनसो मशीन है, इसमें जो फ्यूल फिल्टर लगा हुआ आता है, मैं उसी फ्यूल फिल्टर का इस्तेमाल करूंगा। यह फाल्कन कंपनी का चैनसो मशीन में जो फ्यूल फिल्टर लगा हुआ आता है, मैं उसी फ्यूल फिल्टर को लगाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो फ्यूल फिल्टर है यह बिल्कुल सही है। इस तरह का फ्यूल फिल्टर आपके मशीन में लगा हुआ है तो बिल्कुल सही है। यह फ्यूल फिल्टर काफ़ी दमदार होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपके पास न्यू फ्यूल फिल्टर नहीं है, नया फ्यूल फिल्टर नहीं है लगाने के लिए, तो आप पुराना वाला फ्यूल फिल्टर को क्लीन कीजिए। किस तरह से क्लीन करना है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखकर आप फ्यूल फिल्टर को अपने घर पर ही साफ कीजिए, क्लीन कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्यूल फिल्टर साफ करने से मशीन बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए अगर फ्यूल फिल्टर के वजह से मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप फ्यूल फिल्टर को पहले क्लीन करके देखिए। क्लीन करने से नहीं होता है तब चेंज करके देखिए। देखिए, ओवरफ्लो पेट्रोल को आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने जो सिलेंडर में पेट्रोल डाला था वो बाहर आ गया है। यह न्यू स्पार्क प्लग मैं इस मशीन में नहीं लगाऊंगा। पुराना वाला जो स्पार्क प्लग है, मैं इसी स्पार्क प्लग को लगाकर मशीन को स्टार्ट करके देखूंगा।
यह स्पार्क प्लग इसी मशीन का है और यह स्पार्क प्लग को मैंने क्लीन नहीं किया है। जब यह चैन सो मशीन बिल्कुल सही हो जाएगा तब मैं स्पार्क प्लग को क्लीन करके लगाऊंगा। देखिए, अगर आपका चैन सो मशीन का स्पार्क प्लग में कार्बन लगा हुआ है और मशीन स्टार्ट हो रहा है तो आप स्पार्क प्लग को क्लीन कीजिए। स्पार्क प्लग में जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन को क्लीन कीजिए। देखिए, प्लग कैप जब भी लगाइएगा देख लीजिएगा, प्लग कैप टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यह चैन सो मशीन स्टार्ट हुआ बट अचानक से रेस होकर मशीन बंद हो गया। देखिए, इस तरह से आपके मशीन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। आपका चैन सो मशीन स्टार्ट हो रहा है, अचानक से रेस होता है और बंद हो जाता है। तो ऐसे में आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर जो है वो पेट्रोल टैंक के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। फ्यूल फिल्टर जो है वो पेट्रोल में डूबा हुआ होना चाहिए। अगर फ्यूल फिल्टर ऊपर रहेगा, पेट्रोल में डूबा हुआ नहीं रहेगा, तब भी मशीन में इस तरह का प्रॉब्लम आता है। पेट्रोल सही से सप्लाई नहीं देता है, मशीन अचानक से स्टार्ट होकर रेस होता है और बंद हो जाता है। तो चेक कर लीजिएगा फ्यूल फिल्टर फ्यूल में डूबा हुआ होना चाहिए। चलिए हम मशीन को फिर से स्टार्ट करके देखेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह का जो प्रॉब्लम है ना, यह प्रॉब्लम कार्बोरेटर से ही ज़्यादातर होता है। तो हम कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे, अगर सही नहीं होगा तो हम कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे, कार्बोरेटर को वॉश करेंगे। कार्बोरेटर को किस तरह से वॉश करना है आप इस वीडियो में बने रहें। जैसा कि देखा आपने, पिकअप नहीं बना रहा है। एक्सेलेटर को प्रेस करने पर पिकअप दब जाता है, मशीन बंद हो जा रहा है, पिकअप नहीं बना रहा है। दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि इस तरह का प्रॉब्लम हमारे पास बहुत सारा आता रहता है। तो कई बार होता है ना, स्पार्क प्लग से भी प्रॉब्लम होता है। स्पार्क प्लग करंट कम आता है तो मशीन स्टार्ट होकर अचानक से बंद हो जाता है या अचानक से रेस हो जाता है। तो देखिए, फिर से मैं न्यू स्पार्क प्लग को लगा रहा हूँ। पुराना वाला स्पार्क प्लग क्या है ना, अगर कम करंट देगा, स्पार्क प्लग शॉर्ट रहेगा तो मशीन इसी तरह से स्टार्ट होगा और स्टार्ट होकर अचानक से रेस होगा और बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आप एक न्यू स्पार्क प्लग लगा कर देख सकते हैं। मैंने न्यू स्पार्क प्लग लगाया है। चलिए हम मशीन को फिर से स्टार्ट करके देखेंगे। कई बार स्पार्क प्लग चेंज करने से मशीन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि देखा आपने दोस्तों, न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सेम आ रहा है। तो ऐसे में हम कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे, कार्बोरेटर को खोलकर हम बाहर निकालेंगे और कार्बोरेटर को वॉश करेंगे। कार्बोरेटर को किस तरह से वॉश करना है आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। यह वीडियो में आपको बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा। यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो से हेल्प मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए। दोस्तों आपका लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। इसी तरह का चैन सो मशीन रिपेयरिंग वीडियो बहुत सारा देखना चाहते हैं तो किसान मशीन यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कार्बोरेटर 4 बोल्ट से टाइट है, 4 स्टार बोल्ट से टाइट है। तो 2 स्टार बोल्ट मैंने खोलकर बाहर निकाल दिया है। अब मैं 2 स्टार बोल्ट को खोलकर बाहर निकालूंगा तो कार्बोरेटर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं किस तरह से कार्बोरेटर को खोल रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी कार्बोरेटर को खोलना है और खोलकर फिट करना है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से खोलना है, कैसे वॉश करना है, क्लीन करना है पेट्रोल से, और पेट्रोल से क्लीन करके किस तरह से फिट करना है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए, जो भी स्पेयर पार्ट्स आप खोलेंगे आपको आराम से खोलना है।
ताकि डैमेज ना हो। और आपको चेक भी करना है, जो भी स्पेयर पार्ट्स आप खोलेंगे आपको चेक करना है वह टूटा हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपको टूटा हुआ लग रहा है, डैमेज लग रहा है, तो आप उसे चेंज कीजिएगा, एक नया स्पेयर पार्ट्स लगाइएगा। देखिए यहाँ पर एक फ्यूल पाइप है, तो आप इस फ्यूल पाइप को आराम से निकालिएगा। स्क्रू ड्राइवर से निकाल रहे हैं तो आराम से निकालिएगा। देखिए मैं भी स्क्रू ड्राइवर से ही निकाल रहा हूँ, बट मैं आराम से निकाल रहा हूँ, आप भी इसी तरह से आराम से निकालिएगा। अगर आप इसे सही से नहीं निकालेंगे तो पाइप कट सकता है, फट सकता है, डैमेज हो सकता है। किसी भी फ्यूल पाइप को आप निकालिएगा तो आराम से निकालिएगा। अगर फ्यूल पाइप कट जाएगा तो फिर आपको फ्यूल पाइप चेंज करना होगा, एक न्यू फ्यूल पाइप लगाना होगा। देखिए यहाँ पर भी एक पाइप लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी एक पाइप लगा हुआ है। ये भी पाइप को आप बहुत ही आराम से आसानी से बाहर निकालिए, देखिए निकल जाएगा, देखिए निकल चुका है। देखिए यह पाइप यहाँ पर कनेक्ट रहता है, तो आप फिट कीजिएगा तो देख कर फिट कीजिएगा। देखिए आपके पास लकड़ी काटने वाला चैनसो मशीन है किसी भी कंपनी का, या आपके पास ब्रश कटर मशीन है टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक किसी भी कंपनी का, और आप यह सब मशीन का स्पेयर पार्ट्स घर बैठे ही खरीदना चाहते हैं, तो अभी कॉल कीजिए, मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए, मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। कार्बोरेटर को खोलकर तो मैंने बाहर निकाल दिया है, अब मैं अच्छी तरह से सफाई करूंगा। जहां पर कार्बोरेटर लगा हुआ रहता है वहां पर अच्छी तरह से आपको सफाई करना है, अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। जहां पर कार्बोरेटर लगता है वहां पर पहले आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है, डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए, जो भी डस्ट लगा हुआ है उस डस्ट को आप हटाइए, अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, और एक सूखा कपड़ा लेकर अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए। डस्ट रहेगा तो फिर से मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। कार्बोरेटर को किस तरह से क्लीन करना है मैं अभी आपको खोलकर दिखाऊंगा और कार्बोरेटर को क्लीन करूंगा। कार्बोरेटर को क्लीन करना बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं और कार्बोरेटर को खोल सकते हैं, कार्बोरेटर को खोलकर फिट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम कार्बोरेटर को इस तरह से वॉश करेंगे, जो भी ऊपर में डस्ट लगा हुआ है, कचड़ा लगा हुआ है, इसे हम साफ़ करेंगे। एक ब्रश और पेट्रोल लेकर हम सबसे पहले इस तरह से कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे। ऊपर में जो भी डस्ट लगा हुआ रहेगा, कचड़ा लगा हुआ रहेगा, वह क्लीन हो जाएगा। इस तरह से जब आप कार्बोरेटर को वॉश कर ले ऊपर से, उसके बाद आपको कार्बोरेटर को खोलकर क्लीन करना है। दोस्तों हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए और सीखते रहिए, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आंसर दूंगा। आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखिए। अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं, जिस वीडियो पे आप ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे मैं उसी मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स क्या आप हमसे पार्टनरशिप कर सकते हैं? हर बार वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास मैकेनिक नहीं है। देखिए जरा आसपास ना, किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। देखिए दोस्तों ये है कार्बोरेटर का गास्केट, यह गास्केट बिल्कुल सही है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। कार्बोरेटर का गास्केट कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज है, तो चेंज कीजिए, एक न्यू गास्केट लगाइए। और देखिए यहाँ पर कार्बोरेटर में एक जाली लगा हुआ रहता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जाली में डस्ट लगा हुआ है, तो डस्ट को निकालिए। और ये सब जो हॉल आप देख रहे हैं, ये देखिए जितना भी हॉल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह सभी हॉल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सभी हॉल को अच्छी तरह से क्लीन करना है, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। पेट्रोल से आप अच्छी तरह से सभी हॉल को क्लीन कीजिए, सफाई कीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जाली लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, यह बिल्कुल क्लीन है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। अगर जाम है, डस्ट है, तो क्लीन कीजिए। इस तरह से पेट्रोल प्रेशर में मारकर क्लीन कीजिए दोस्तों, सभी हॉल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और नेट मतलब जाली, जाली भी क्लीन होना चाहिए, जाली भी देख लीजिएगा, जाली में डस्ट लगा हुआ है, तो जाली को निकालिए बाहर और निकाल कर क्लीन कीजिए, क्लीन हो जाएगा। देखिए 58 सीसी का जो चैनसो मशीन होता है या 62 सीसी का जो चैनसो मशीन होता है,
उस मशीन का कार्बोरेटर आप क्लीन करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट कीजिए 58cc चैनसो मशीन का कार्बोरेटर किस तरह से खोलना है, कैसे क्लीन करना है, या 62cc चैनसो मशीन का कार्बोरेटर किस तरह से खोलना है, किस तरह से क्लीन करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, कार्बोरेटर को किस तरह से खोलकर वॉश करना है, कैसे क्लीन करना है, किस तरह से रिपेयरिंग करना है, मैं इस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ऐसे वीडियो तो अपलोड है, आप उस वीडियो को देखकर रिपेयरिंग वॉश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक गास्केट लगा हुआ है, तो ये भी गास्केट देख सकते हैं बिल्कुल सही है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, गास्केट फटा हुआ है, कटा हुआ है, डैमेज है तो चेंज कीजिए, एक न्यू गास्केट लगाइए। देखिए यहाँ पर एक नीडल है, तो नीडल के पास में एक स्क्रू लगा हुआ है, तो इस स्क्रू को हम खोलेंगे, नीडल को बाहर निकालेंगे और पेट्रोल को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, और जिस तरह से मैंने कार्बोरेटर को ओपन किया है उसी तरह से मैं कार्बोरेटर को फिट करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए दोस्तों।
दोस्तों, जैसा कि मैं इस वीडियो में प्रॉमिस किया था आपको, यहाँ पर जरा आप ध्यान से देखिएगा कार्बोरेटर का ट्यूनिंग किस तरह से सेट किया जाता है। देखिए, अगर आपका चैनसो मशीन बहुत ही ज़्यादा रेस है तो आप इस स्क्रू को लूज़ कर सकते हैं। यह स्क्रू को ढीला करेंगे, लूज़ करेंगे तो इंजन का रेस कम हो जाएगा, और अगर रेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे टाइट कर सकते हैं, रेस बढ़ जाएगा। इंजन का रेस बढ़ाना चाहते हैं, स्क्रू को टाइट करेंगे तो रेस बढ़ जाएगा। और अगर आपका चैनसो मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, पिकअप नहीं बना रहा है, तो ये देखिए, यह एल स्क्रू, यह एल स्क्रू को आप लूज़ करके देखिए, ढीला करके देखिए। ढीला करने से नहीं होता है तो टाइट करके देखिए। टाइट करके या लूज़ करके ट्यूनिंग सेट कर सकते हैं। मशीन का मोमेंटम के हिसाब से सेट होता है, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है कि कितना बार लूज़ करने से सेट हो जाएगा, कितना बार टाइट करने से सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह है एच स्क्रू, आरपीएम हाई लो करने का। आरपीएम अगर आपके मशीन का लो है तो आप यह स्क्रू को सेट करके आरपीएम हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। यह एच स्क्रू है। देखिए, एल और एच स्क्रू को किस तरह से सेट करना है, इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाकर अपलोड किया है किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो देखकर आप सेट कर सकते हैं। आप जो भी हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल का वीडियो देखते हैं ना, पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत सारा जानकारी उसमें मिलेगा। आप अगर वीडियो को आधा देखेंगे तो आपको अधूरा नॉलेज मिलेगा। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए और आप अपने मशीन को घर पर रिपेयरिंग कीजिए। ऑन ऑफ स्विच का वायर एक में सटाएंगे तो मशीन ऑफ हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा दोस्तों, कार्बोरेटर में भी लास्टली प्रॉब्लम निकला। प्रॉब्लम ये निकला कि जो कार्बोरेटर था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था। डस्ट जमने के कारण पेट्रोल सप्लाई सही से नहीं दे पा रहा था। मैंने कार्बोरेटर को खोलकर पेट्रोल से वॉश किया और अब बिल्कुल सही हो गया। कार्बोरेटर और मशीन दोनों बिल्कुल सही है और मशीन बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए, ऑन ऑफ स्विच का वायर जो मैं लगा रहा हूँ, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ऑन ऑफ स्विच का जो वायर है वो टाइट होना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच का वायर अगर लूज़ रहेगा, ढीला रहेगा, तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। ब्लैक वाला जो वायर है उसे मैंने नीचे लगाया है, और ये देखिए, ब्लू वाला जो वायर है इसे मैं ऊपर लगा रहा हूँ। ये जो आप वायर देख रहे हैं, जो मैं दो वायर लगा रहा हूँ, यह वायर को आप चेक कर लीजिएगा। ऑन ऑफ स्विच का वायर बिल्कुल टाइट होना चाहिए, लूज़ रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा।
ये देखिए, एयर फिल्टर को खोलना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से एयर फिल्टर को खोल सकते हैं और खोलकर साफ़ कर सकते हैं। यह एयर फिल्टर को आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। यह नेट वाला, यह जाली वाला एयर फिल्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं नेट एयर फिल्टर है। तो आप इस जाली वाला एयर फिल्टर को पेट्रोल से बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। एक ब्रश ले लीजिए और पेट्रोल ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं एयर फिल्टर मैंने क्लीन कर लिया है पेट्रोल से। अब यह एयर फिल्टर बिल्कुल न्यू दिख रहा है। मैंने अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश किया है। आपके मशीन में पेपर का एयर फिल्टर लगा हुआ है तो पेपर का जो एयर फिल्टर है वो एयर से क्लीन होता है, तो आप एयर से क्लीन कीजिए अगर आपके मशीन में पेपर का एयर फिल्टर लगा हुआ है तो। यह वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। चलिए एक बार हम फिर से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे।